नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कुलदीप कुमार मेघवाल। आज हम पढ़ाएंगे हरियाणा जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा तारीख है 15 जून 2021। आज का जो टॉपिक हमारा भिवानी जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये हमारा एसएससी द्वारा तथा सेट का पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात करें भिवानी की स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। किस तरह करके बना था भाई, तो कुछ हिस्सा हिसार बना था, हिसार का हिस्सा जोड़ा था और कुछ महेंद्रगढ़ का हिस्सा जोड़ा था। जब भिवानी जिला बना तो हरियाणा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। परंतु आज की बात करें तो 2021 की प्रेजेंट की, तो आज सबसे बड़ा जिला सिरसा हुई भिवानी से कटिया के बीच में भिवानी, इसको चरकिता दर को अलग कर दिया। अब बात करते हैं साक्षरता दर की हुई, साक्षरता दर हरियाणा भिवानी में कितनी, भिवानी में साक्षरता दर भाई 76% हुई, 100 में 76% लोग पढ़े लिखे हैं। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की, लिंग अनुपात में भाई बात करें तो 886 लड़कियाँ पे 1000 लड़के हैं। ये विदयनीय स्थिति है सोचने की भी कि इतना रेशो हमारा कम है। और अब बात करते हैं भिवानी का सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है इसमें के कैसे हुई। सबसे खेल की बात करें तो भाई अनेक खिलाड़ी हैं भाई, जिस तरह खेल में भीम स्टेडियम है बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब, कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकेडमी तथा अनेक जिम है भाई। और भिवानी को उपनाम कौन से हैं, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, छोटी काशी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर है भिवानी में भी। और हम बात करते हैं भिवानी जिले की शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा में भाई चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भाई, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी भाई। हरियाणा का शिक्षा बोर्ड है CBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी स्थापना सबसे पहले एच बी एस सी चंडीगढ़ में था थी, CHD होती चंडीगढ़ CHD। और इसमें इसकी स्थापना चंडीगढ़ में कर गई थी 31 जनवरी 1969 में की थी। और इसको चंडीगढ़ से भिवानी ट्रांसफर करने का कार्य चौधरी बंसीलाल ने करा था। और ये कब लेके आए थे अभी, तो ये चौधरी जो बंसीलाल जी हैं हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 30 नवंबर 1981 को लेके आए थे अभी। अब बात करें हरियाणा ओपन स्कूलिंग की स्थापना 1994 में हरियाणा बोर्ड ने की। अभी हाल के 2021 की बात करें तो COVID-10 का जो रिजल्ट आया है, कोविड 19 के चलते हुए 100% रिजल्ट दे दिया भाई, 100% रिजल्ट है, सब बच्चे पास हो, कोई बच्चे पास नहीं हुआ, कोई बच्चा फेल नहीं है, सब बच्चे पास कर दिए भाई। अब बात करते हैं भाई इसमें घूमने के कौन कौन से हैं, तो भाई मिनी चिड़ियाघर है तथा चिकारा प्रजनन केंद्र कड़ा भाई जो कैरू में है भाई। जो प्रमुख व्यक्ति है भिवानी में उनकी बात करा तो सबसे पहले बात करा हाँ चौधरी बंसीलाल ये गोलागढ़ के थे भाई, गोलागढ़ गांव हुए उनके गांव के थे और हरियाणा के CM गणेवार बने हुए ये। उसके बाद हम बात करते हैं भाई विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था भाई। इसके बाद
खेल में कौन कौन सी खिलाड़ी हुई, खिलाड़ी में है नमन तंवर है, अब यह 2021 की बात करा हाँ, प्रेजेंट में नमन तंवर जो मेडल को लेके आए थे, और अरुणा जो पैरालंपिक में टोक्यो क्वालिफाई करा है, और भारत की पहली महिला बनी 49 किलोग्राम में, और ये ताइक्वांडो की प्लेयर हैं, ताइक्वांडो की प्लेयर हैं, और अरुणा सिंह, अरुणा का संबंध दिनों गांव से है भाई, और इन्होंने तो ओलंपिक का क्वालिफाई कर लिया, और पैरालंपिक था जी, पैरालंपिक था भाई। और अब बात करते हैं भिवानी में कौन कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा पंडित नेकीराम लाइब्रेरी हुई, लाइब्रेरी है, और वैश कॉलेज है महाराजा नीम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज, राजीव गांधी वीमेन कॉलेज, आदर्श कॉलेज, कर्मचारी कॉलेज, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही संस्कृत की जो नगरी है, संस्कृत का जो महान साहित्य हरियाणा में सबसे प्रमुख है, ब्रह्मचर्य मैम गेट पे है, और एक दादरी गेट पे संस्कृत का अपना प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान है। और ये था भिवानी का छोटा सा धन्यवाद साथी को दिखमान में भाव।